सक्ती जिले की पुलिस ने एक बड़े अपहरण मामले में सफलता हासिल करते हुए यूपी के मेरठ से अपहृत नाबालिग को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने इस किडनैपिंग में शामिल यूपी के 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जो बच्चों को ट्रेन से किडनैप कर उनकी तस्करी किया करते थे। सक्ती जिले के ग्राम डोमाडी हसौद निवासी जगदीश केवट ने थाना हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 16 वर्षीय बेटा 15 सितंबर 2024 को अपने बड़े भाई जयश्री केवट के साथ उत्कल एक्सप्रेस से हरिद्वार जा रहा था। यात्रा के दौरान मेरठ के पास 4 अज्ञात व्यक्ति ट्रेन में चढ़े। जब ट्रेन सकौती स्टेशन पर धीमी हुई तो उन लोगों ने उसके छोटे बेटे को जबरन उतारकर अपहरण कर लिया। एसपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में हसौद पुलिस ने मेरठ में अपहरण हुए नाबालिग बालक को यूपी पुलिस की मदद से बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर नाबालिग का अपहरण कर बेचने और खरीदने वाले 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी एसपी अंकिता शर्मा ने दी है। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक हसौद का रहने वाला बालक जो कि मेरठ में अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन से जा रहा था, उसे मेरठ के आगे सकोती रेलवे स्टेशन में 4 अपहरणकर्ताओं के द्वारा उतार लिया गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने पर हमने जयश्री केवट जो उसके भाई था उसको कॉल किया और उनसे पता चला कि इस प्रकार का घटनाक्रम है कि मेरठ के आगे सकोती स्टेशन में उसके भाई को 4 अज्ञात लोगों ने उतार लिया है। उसके बाद हमें जब ये सूचना मिली तो ये बताया गया कि इसमें FIR कायम नहीं हुआ है, तो थाना हसौद द्वारा 0 पर इसमें FIR कायम किया गया 21 तारीख को। और साथ ही हमने सख्ती से एक टीम निकाली, ASI और एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल के अधीनस्थ, और 0 पे FIR कायम करने के बाद वहाँ जो GRP के प्रभारी ADG साहब हैं उनसे वार्तालाप करके ये निर्णय हुआ कि उनको मेल के माध्यम से 0 FIR की एक प्रति भेजी जाए, जिसके ऊपर से उन्होंने FIR लॉन्च किया GRP मेरठ ने। और उस FIR के बाद तफ्तीश स्टार्ट हुई, हमारी टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो मेरठ पुलिस और GRP तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा तकरीबन रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी तक के फुटेजेस चेक किए गए, पर फुटेज के आधार पे ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आ पाई। तो रणनीति के तहत ये तय किया गया कि उसका भाई जो है, क्योंकि उसने आरोपी को देखा था, तो उसे रेलवे स्टेशन में खड़ा कराया गया भेष बदल करके। और ये कहा गया कि अगर वो व्यक्ति दिखता है कोई भी अपहरण करता तो उसको शिनाख्त किया जाए। और जब वो दोबारा ही इस घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे तो उसके भाई ने उसमें से एक आरोपी को पहचान लिया और दौड़ाकर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता चला कि 4 अन्य आरोपी हैं जो कि दूसरी जगह में रहते हैं। उनसे पूछताछ पर ये पता चला कि ये बच्चे को सकौती रेलवे स्टेशन के पास उतार करके पास के एक गांव में इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके फार्मिंग के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ पे ऐसा पता चला है कि इस सीज़न में और भी कई बच्चों का इस प्रकार से अपहरण हुआ था ट्रेन से। जो भोले भाले बच्चे हैं उन्हें ट्रेन से उतारा गया था और उसके बाद उन्हें वहाँ पे लेबर के तौर पे खेती करवाने के लिए मजदूर बना करके रखा गया था। तो वहाँ से बच्चे को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जो अन्य आरोपी हैं इसमें उन्हें पकड़ा गया, तो कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के द्वारा पूछताछ करने पर यह बताया गया कि वो मेरठ के आसपास आ करके इस प्रकार की घटना की रणनीति बनाते हैं, उस रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं और अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भोला भाला है या कोई शांत प्रदेश का है तो उसे वो लोग टारगेट करते हैं। और अगला जो सकोती रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसके 2 अन्य साथी बाइक में उनका इंतज़ार पहले से कर रहे होते हैं, और वो बाइक वाले लोग जब सकोती रेलवे स्टेशन में इनको उतारा जाता है तो वो बाइक में बैठा के उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम पूरी जांच में ये पाया गया कि ये एक प्रकार का गैंग है जो कि सक्रिय है। और एक बहुत अच्छी बात छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ये पहचान में आई कि इसके अलावा अन्य बच्चों का भी इस प्रकार से अपहरण किया गया था जो कि अज्ञात थे। और इस जांच में ये पाया गया कि और ऐसे 3-4 प्रकरण थे जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और इस घटना के बाद उनमें भी कार्रवाई की गई और पूरे इस रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 4 लोग जो उस गैंग के सदस्य उन्हें अरेस्ट किया गया, और वो जो ठेकेदार जो वहाँ पर इन बच्चों की खरीदी करता था उसे भी अरेस्ट किया गया। और आप सभी के माध्यम से एक निवेदन मैं करना चाहूँगी
जो ट्रेन में ट्रैवल करने का गोल्डन रूल होता है, जो हम सभी को हमारे माता पिता बचपन से सिखाते हैं कि ट्रेन में अजनबी लोगों से वार्तालाप ना करें, कोई भी अज्ञात व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ खाने की देता है तो उसे आप ना खाएं, और इस प्रकार से अपनी पहचान या अपने ज़िले या अपने राज्य का नाम उन्हें ना बताएं। क्योंकि आरोपियों के द्वारा ये बताया गया कि वो कोशिश करते हैं कि झारखंड छत्तीसगढ़ इस तरीके के लोगों को टारगेट करें, क्योंकि ये भोले होते हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो जब उसके भाई से मैंने पूछा था तो उसने बताया कि और अन्य लोगों से भी इस प्रकार की उसने चर्चा की आरोपी ने, पर वो उसको डांट के भगा दिया और ये लोग अपना पूरा पहचान बता दिए कि हम यहाँ से हैं और हम ये हैं और हम यहाँ जा रहे हैं, तो इस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। तो कृपया ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो किसी भी अजनबी व्यक्ति से बातचीत ना करें और किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी हुई कोई चीज़ को ना खाएं, और कभी आपको किसी पर शक होता है तो आपके परिजन जो दूर दराज में बैठे होते हैं, आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो एक मैसेज कर दें या कुछ फोटो भेज दें या ऐसा कोई वीडियो बना दें जिससे कभी भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो तो उसको घटना होने से